देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम फैमिली हैं सृष्टि के, एटलीस्ट हमें जानने का हक बनता है। बदकिस्मती से आप इनका परिवार है, तो अब बता रहा हूँ कि इन्हें स्टेशन से सीधा कोर्ट लेकर जाएंगे। What? कुछ विनायक, आप कुछ कीजिए। आप क्या क्या सोच रहे हैं आप? हाँ, कुछ कीजिए। ये साजिश है इनकी, भरोसा कीजिए मुझ पर। मैंने कुछ नहीं किया है, झूठ बोल रहा है ये सब लोग। सृष्टि, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें वैसे ही छोड़ देंगे वो। और अब विनायक सीधे सीधे लफ्जों में सृष्टि को बोलता है कि अगर वो पाक है तो फिर डरना क्यों। और वैसे भी पुलिस का मामला, मैं क्या कर सकता हूँ? जो कर रहे हैं सोच के ही कर रहे होंगे। तो अब क्या सब इनके सोचने पे होगा? बिना सबूत के ये सब क्यों हो रहा है? आपसे ये किसने कह दिया कि हमारे पास सबूत नहीं है? आगे आप लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे ना, लड़िए। मैं भी कोशिश करूंगा। एक लड़की की मौत हुई है, उसके गुनहगारों को सजा मिलके रहेगी, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं कर जाऊंगा। देखिए, मैं आपको समझा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हाँ, इसके बाद पता नहीं वो किस नजरिए से देखेंगे मुझे। आप समझने की कोशिश तो कीजिए। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, और कानून भी इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। पर आज सृष्टि मुखर्जी की निकल गई है पूरी तरह से हवा। पंख फहरा कर अब कैसे उड़ेगी अपने नाम के बलबूते पर? वो सिर्फ ये तय कर सकता है कि समाज आपको किस नजरिए से देखेगा। देखिए, हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। जितना डिले आप करेगी उतना पेशेंस में हमारी कमी होगी, और आपका गुस्सा उतना ही बढ़ेगा। नहीं, डैड प्लीज, आप कुछ करिए, मॉम की हेल्प कीजिए। ये लोग मॉम को जेल भेज देंगे। आप प्लीज लॉयर देखिए, हायर कीजिए, और मॉम की बेटा इंतजाम कीजिए प्लीज डैड। अर्शी, मैं कुछ करता हूँ। वैसे भी कानून की नजर में हम लोग पति पत्नी हैं, और ईश्वर को साक्षी मानकर हमने शादी की है, तो आखिरी दम तक तो लड़ना ही पड़ेगा। मैं हायर करूंगा। प्लीज कुछ कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। प्लीज भरोसा कीजिए मुझ पर। ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश करें। जनक के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है विनायक। भरोसा करना चाहते हैं सिस्टी मैडम, लेकिन कर नहीं पा रहे क्योंकि सबूत है हमारे पास। और अब सृष्टि विनायक की ओर देखती है। आखिरकार अब वही एक है जो उसे बचा सकता है, जिसे वो आज तक कभी हस्बैंड होने का इज्जत तक नहीं दी है। और अब विनायक और अर्शी के पास शब्द ही नहीं, कैसे बचाए सृष्टि को। वो बहुत गहरी पानी में फंसी है, कोई भंवर में, शायद तेजस की। वहीं अब भी सृष्टि लगी है अपने बचाव में, अक्कड़ अब भी नहीं निकली है उसकी। मैं तेजस से मिली हूँ, ऐसा कोई सबूत है आपके पास? आप प्रूफ कर सकते हैं? नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन जब तक आप बाहर रहेंगी, ये सबूत मिटने का डर है हमें, इसलिए हम ये चांस नहीं ले सकते। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। कई केसेस ऐसे होते हैं जो झटके से सॉल्व नहीं होते, लेकिन केसेस सॉल्व करते वक्त हमें पता चल जाता है कि अपराधी कौन है, और मेरी टीम इस केस के पीछे अपना 100% दे रही है। ईमानदार और बेईमान के बीच की लड़ाई है ये। एक लड़की की मौत हुई है, अब उसे बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। अगर इसके पीछे तेजस नहीं भी था, तो भी इसके पीछे के सारे प्लान के पीछे का मास्टरमाइंड वही है। आप दोनों के बीच में जो बात हुई वो कॉन्वर्सेशन। और अब पोल खुलने लगी है विनायक और अर्शी के सामने। आखिर हमेशा वो अपनी मन की ही तो करती है, विनायक का मशवरा लेती कहाँ थी कभी भी। और वो कोलकाता आने वाला था, ये भी पता है हमें, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है मेरे पास। तो आप बताइए, मुझे बताएंगी सृष्टि मैडम कि सच क्या है? ऐसे केसेस में पुलिस किसी को नहीं छोड़ती। अगर तेजस के बारे में मैंने कुछ भी बताया तो मेरे भी राज खुलेंगे। वो बोलेगा कि मेरे कहने पे उसने सब कुछ किया है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी कि तेजस यहाँ आया था। मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगी।
मैडम टाइम नहीं है हमारे पास में। देखिए प्लीज मुझे मत लेकर जाइए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ। चलना तो आपको पड़ेगा, अगर आप खुद से नहीं चलेंगी तो हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और अब जाकर सृष्टि को कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों का खेल सच्चा लगने लगा है, और अब थोड़ी घबराती हुई दिखती भी है और बोली में भी डर है। पर अर्शी और विनायक वो क्या करें? ले चलो इन्हें। नहीं आप मुझे नहीं लेकर जा सकते, प्लीज मुझे मत लेकर जा। क्या कर रही है विनायक, कुछ कीजिए। अरे क्या कर रही है आप, छोड़िए। एक मिनट, आप मेरी मॉम के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती, ये खुद जाएंगी। मॉम आप चाहिए, हम हैं यहाँ, हम सब संभाल लेंगे। आई प्रॉमिस हम आपको जल्द से जल्द छुड़वा के वापस यहाँ लेके आएंगे। ये सब ना अनिरुद्ध और उसके टीम का प्लान है, मैंने कुछ नहीं किया है अर्शी। कमिश्नर उसके दोस्त है ना, इसलिए ये यहाँ आए हैं। लेकिन आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे, समझे ना आप। मॉम डोंट वरी, हम आपके लिए बड़े से बड़ा लॉयर हायर करेंगे और वो कोर्ट में प्रूव कर देगा कि आप इनोसेंट है, आपने कुछ नहीं किया। डोंट वरी मॉम। लेकर चलो इन्हें। और अब देखते ही देखते जहां सृष्टि को ले जाया जाता है, वहीं अर्शी और विनायक की तो जैसे संसार ही उजड़ गई हो, सब कुछ बर्बाद होता दिख रहा है। पर जाते जाते भी सृष्टि अनी के खिलाफ करके ही गई है अर्शी को। एक अर्शी बेटा, आप कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। डैड आपको सच में लगता है कि मॉम? डैड नहीं, नहीं मॉम इनोसेंट है, डैड उन्होंने कुछ नहीं किया। अर्शी मुझे लगता है उन्होंने ही किया, पर हाँ पुलिस ये साबित कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये नहीं पता मुझे। पर शायद अब जो बात अर्शी को उसके डैड ने कहा है ये सुनकर अर्शी भी चकित है, मतलब कि उसकी माँ बहुत कुछ कर सकती है जब दुश्मनी निभानी हो, पर किसी को भी उसकी गुनाह को साबित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो सृष्टि मुखर्जी है और उसके आसपास उस जैसे ही लोग हैं जो कुछ पाने के लिए कुछ भी हथकंडा अपना सकते हैं। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए, जहां आज सृष्टि मुखर्जी को लेकर गई है पुलिस हिरासत में, पर क्या अब शुभो पहुंचेगा उसे बेल दिलवाने? देखना ना भूलिएगा कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स में।